उत्तर पूर्वी दिल्ली में आजादपुर मंडी 90 एकड़ से ज्यादा बड़े इलाके में फैली इस मंडी को एशिया में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा थोक बाजार कहा जाता है। कहते हैं कि ये मंडी कभी सोती नहीं है। हर दिन की तरह आज भी यहां भारत के हर हिस्से से ताजा सब्जियां पहुंची हैं, लेकिन शुरुआत में कारोबार थोड़ा धीमा है। दुनिया के इस कोने में खेतों में उपजी सब्जियों का कारोबार करना जोखिम भरा सौदा है। विक्रेताओं को अच्छा दाम पाने के लिए जूझना पड़ता है। उमस भरे माहौल में ताजा और जल्द खराब होने वाली खाद्य सामग्री को इतने बड़े पैमाने पर बेचना, इस सौदे में हर घंटा कीमती होता है। ज्यादातर माल सड़क और रेल के जरिए लंबा सफर तय कर यहां पहुंचा है। बर्बादी एक बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा बर्बाद होती है यहाँ पर। हाँ जी, बहुत नुकसान होता है। देखो, हम जैसे बैठे हुए हैं ऐसे, हम ये सोचते हैं दो पैसे मिले, वो दो पैसे भी हमारे चले जाते हैं। इतना पानी के अंदर बैठते हैं यहाँ पर हम। विशाल को यहाँ ज्यादातर लोग सनी के नाम से जानते हैं। वह मंडी में शिमला मिर्च के उभरते कारोबारी हैं। उनका शिमला मिर्च शिमला, जम्मू और पुणे समेत देश के कई कोनों से आता है। बेहतरीन कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के अभाव में ज्यादातर सामान अब भी पुराने तौर तरीकों से खरीदा बेचा जाता है। लंबे सफर के दौरान उनका ज्यादातर माल खराब भी होता है। अगर लोडिंग वहां से किसान गलत कर देता है तो ये माल जहां डैमेज 10% निकल रहा है, वो डैमेज 50-60% या 70% तक भी चला जाता है। ऐसा ये मान लो कि हफ्ते में एक आध कोई ऐसा किसान आया था जिसको हम समझा नहीं पाते। सपोज करो ये बॉक्स जो है सांगली के अंदर 80 रुपए का मिल रहा है। किसान कहता है डब्बे में तो माल भरना है, मैं 50 रुपए वाला डब्बा लगा देता हूँ। तो 50 रुपए 30 रुपए डब्बे के अंदर बचाने के चक्कर में क्या होता है, डब्बे में जो माल भरा जाता है डब्बे में स्टैंडिंग पावर नहीं रहती और माल जो है रास्ते के सफर में गर्म होने की वजह से बैठ जाता है, इससे माल डैमेज हो जाता है। भारत में ये एक चुभने वाली हकीकत है। दुनिया के 20 सबसे भुखमरी वाले देशों में शुमार भारत में करीब 40% फलों और सब्जियों को बाजार में कोई खरीदार नहीं मिलता। सप्लाई चेन में तमाम खामियों के चलते ना बिकने वाले फलों और सब्जियों का बड़ा हिस्सा कूड़ेदान में सड़ जाता है। चुबा मिनला जमीर खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च कर रही हैं। वो कहती हैं कि दुनिया भर में खाने की बर्बादी के कारण अलग अलग हैं। इस बारे में कई शोध हैं। कुछ शोध कहते हैं कि ये 20% है, तो कुछ इसे 40% बताते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि बर्बाद होने वाले खाने की सटीक मात्रा कितनी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि विकसित और विकासशील देशों में अभी भी खाना बर्बाद होता है। विकसित और विकासशील देशों में होने वाली इस बर्बादी में अगर कोई फर्क है तो वो यही है कि किस तरह का खाना बर्बाद हो रहा है। विकास कर रहे देशों में ज्यादातर मामलों में खेत से सुपरमार्केट तक पहुंचने में खाना बर्बाद होता है, तो विकसित देशों में रिटेल से ग्राहक के बीच में बर्बादी होती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मुताबिक भारत हर साल करीब 13 अरब डॉलर का खाना बर्बाद करता है। सैद्धांतिक रूप से देश अपनी पूरी जनसंख्या का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करता है, लेकिन चुनौती ये है कि खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए।